चलो देखो, अभी हमने पढ़ा है कि जब किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तो इसका मीनिंग है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल रिमेन्स एट रेस्ट। इसमें हमने कहा कि भाई अगर एक पार्टिकल m1 है, एक m2 है, तो अगर एक लेफ्ट की तरफ x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो दूसरा सेम टाइम में x2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सेंटर ऑफ मास को यहां से हिलना ना पड़े, इसलिए m1x1 इक्वल टू m2x2। अगर ज्यादा कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं तो उनमें से एक साइड चलने वालों को हम एक इक्वलिटी के एक तरफ रखते हैं, दूसरी साइड चलने वालों को दूसरी तरफ रखते हैं। जैसे m1 के साथ में अगर यहाँ m2 भी आ जाए, m3 आ जाए, m3 m2 के साइड चल रहा है तो उसे हम इस तरफ ऐड कर रहे हैं, और अगर m3 m1 के साइड चल रहा है तो उसको हम इधर ऐड कर रहे हैं, M1 को उसके M3 को उसके डिस्प्लेसमेंट कर। एग्री हो ना इस बात? यस सर। अब तुम ये देखो कि इनके मूवमेंट में टाइम लैग नहीं होता। जैसे कल तुमने स्प्रिंग का केस देखा था, ये कि ये ब्लॉक जो था, मतलब ऐसा नहीं था कि ये M2 जो था ये रेस्ट पर रहे और M1 को कहे कि भाई पहले तू आ जा फिर बाद में मैं चलूंगा, ऐसा कोई था? मतलब ये दोनों के दोनों जैसे जैसे ये इधर आ रहा है वैसे वैसे ये इधर आ रहा है, जैसे जैसे ये इधर आ रहा है वैसे वैसे ये इधर आ रहा है, मतलब दोनों ही सेम टाइम में x1 और x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, समझिए। यस सर। मतलब ये x1 और x2 जो है ये इनके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हैं ड्यूरिंग सेम टाइम। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर हम ये कहते हैं कि टी टाइम में ऐसा होगा, तो टी टाइम में जब ऐसा होगा तो अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो ऐसा देखो कि ये ऐसे सिचुएशन नहीं बन रही क्या? यस सर, वेलोसिटी। हाँ, तो जब किसी सिस्टम का, अब ये m1v1 जो है ये क्या है? मोमेंटम एक बॉडी का। ये क्या है? मोमेंटम दूसरी बॉडी का। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना चाहिए, अगर मैं m2v2 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो m1v1 - m2v2 इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो यस सर, जीरो। अगर हम इस स्प्रिंग मास सिस्टम को ही डिस्कस कर रहे हैं तो तुम ये देखो कि जिस टाइम पे ये अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस कर रहे थे रिलीज करने के बाद, तो ये इस तरफ चल रहा था उस टाइम, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो v1 थी, ये इस तरफ चल रहा था उस तरफ उस टाइम, इसकी मान लो मैक्सिमम वेलोसिटी v2। तो तुम ये देखो कि जब हमने इनको छोड़ा था तो उस टाइम पे ये रेस्ट पे थे, तो p इनिशियल कितना था? जीरो। दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे ना, यस सर। छोड़ने के बाद जब एक राइट में और दूसरा लेफ्ट में ट्रेवल कर रहा था तो एक टाइम पे हमने देखा, किसी भी टाइम पे देख लो, जब इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, तो अगर राइट साइड का मोमेंटम तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट साइड का मोमेंटम बीइंग वेक्टर नेगेटिव होगा, तो जो टोटल मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, जो टोटल मोमेंटम ऑफ कंप्लीट सिस्टम, देखो जरा वो क्या होगा, वो यही तो होगा m1v1 - m2v2। यस सर। तो अगर ये m1v1 - m2v2 एक पर्टिकुलर टाइम का मोमेंटम है, जब हम इनिशियली इसको ऑब्जर्व कर रहे थे तब मोमेंटम जीरो था, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमेशा मोमेंटम जीरो ही रहेगा, यस सर, कह सकते हैं। यहाँ देखो फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, फाइनल मोमेंटम जीरो क्यों है या हमेशा मोमेंटम जीरो क्यों रहेगा?
मतलब हमेशा मोमेंटम जीरो नहीं रहेगा, हमेशा वो मोमेंटम रहेगा जो पहले से ही था। अगर पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा, अगर पहले कुछ था तो बाद में भी वही रहेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो एक बॉडी और सिस्टम, क्योंकि सिस्टम को भी तो हम एक सेंटर ऑफ मास पे एक सिंगल बॉडी से रिप्लेस कर सकते हैं, इज एट रेस्ट। तो विदाउट एफ एक्सटर्नल नो चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट भी रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स इसकी वेलोसिटी हर टाइम क्या रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होगा ना, तो हर टाइम इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगी। तो जो मोमेंटम यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ, अगर इनिशियली जीरो था तो बाद में भी जीरो ही रहेगा। यस सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स तुम एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं कर सकते, तो वेलोसिटी आने का मतलब ही नहीं है। दूसरा, जब फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और विदाउट एक्सेलरेशन कोई वेलोसिटी में चेंज भी होता नहीं। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो जो यहाँ मोमेंटम है वो यहाँ है, वो यहाँ, अगर इनिशियली वो जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा। तो जब इन स्प्रिंग्स को हमने रिलीज किया था वहां पर मोमेंटम जीरो था, तो बाद में जब हम इसको छोड़ रहे हैं तो एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा राइट की तरफ जा रहा है, एक का मोमेंटम पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम जीरो ही रहेगा हमेशा। देखो फाइनल और ये नहीं, दोनों को इक्वेट करें। यस सर। तो हम अब इसको ना, जो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहने वाला जो क्राइटेरिया है, हम इसको अब थोड़ा नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से, देखो सर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से इस तरह से, इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, मतलब किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा है, फॉर अ सिस्टम, तो सिस्टम में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उस सिस्टम के लिए क्या होगा? देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट से मतलब ये है यहाँ पर कि जो पहले था कुछ देर बाद भी वही रहेगा, मतलब जो इनिशियल था वही फाइनल था। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें याद होगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमने कहा था कि भाई ये डीपी बाई डी टी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, याद है नहीं है? यस सर। अब मुझे ये बता दो कि जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है, जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इसमें क्या सजेस्ट कर रही है? सर मोमेंटम नहीं चेंज होगा तो फिर कांस्टेंट रहेगा। एफ एक्सटर्नल जीरो है तो हमने डीपी बाय डीटी को ही तो जीरो रखना है। यस सर। तो यस सर, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका चेंज होने का रेट जीरो होता है? कांस्टेंट का, हाँ, एक्स स्क्वायर का रेट 2x होता है, x का 1 होता है, 2 का 0 होता है, तो जितने भी कांस्टेंट है उनका चेंज होना, क्योंकि कांस्टेंट है तभी चेंज नहीं हो रहा। तो ये इक्वेशन जो है ये तुम्हें क्या सजेस्ट कर रही है? ये इसका मतलब यही तो सजेस्टेड है कि भाई p इक्वल टू कांस्टेंट है। यस सर। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई? नो सर। ऊपर भी तो हमने यही लिखा है,
फॉर अ सिस्टम लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये आ गया, या फिर हम कह देंगे कि और सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, ये भी हमें इसी चीज को ही लीड कर रहा है अगर तुम इसको थोड़ा सा डीपली जाके देखते हो। पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, m1 dx1 by dt और m2 dx2 by dt दो में m1 v1 equal m2 v2 हो गए। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई किसी को? नो सर। तुम इस चैप्टर को कंटिन्यूस रिवाइज करते रहना जितना हम करते थे, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम करने में जब न्यूमेरिकल करोगे बड़ी दिक्कत आएगी। एक एक चीज घर जाकर रोज पढ़ लिया। अब केस सॉरी पेज थ्री है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनमें से जो पहला हम डील करेंगे वो है फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम अ गन, जो रिकॉइलिंग ऑफ गन है। एक्चुअली में रिकॉइलिंग ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट जो है वो इसी में ही आएगा। अब देखते हैं जरा किस तरह से आएगा, ध्यान से समझेंगे। ये गन है एम मास, अब इसकी बैरल के अंदर यहां पर तुम्हें एक बुलेट दिखेगी, ये भी ये बुलेट है ये एम मास की, ठीक। तो तुम मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन में ये पूरा सिस्टम इसका मोमेंटम कितना है? जीरो है अभी तो, क्योंकि दोनों चीजें रेस्ट हैं। अब यहाँ ना हम दोनों तरीके से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि इफ बुलेट इज वन सिस्टम हाँ, मैं कह रहा था भाई कि अगर बुलेट जो है ये वन सिस्टम तो और जो गन है गन इज सेकंड सिस्टम, मतलब हम इन दोनों को अगर अलग अलग सिस्टम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो बुलेट के ऊपर गन का ट्रिगर है ये पीछे से तेजी से फोर्स लगाता है तब ये बुलेट फायर होती है। तो तुम ये बताओ मुझे कि जब गन सेकंड सिस्टम है और बुलेट फर्स्ट सिस्टम है तो फोर्स एग्जर्टेड बाय ट्रिगर ऑफ गन ऑन द बुलेट कैसा फोर्स होगा? एक्सटर्नल। जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो मोमेंटम बदलता है या नहीं बदलता? यस सर, बदलता है, मोमेंटम बदलता है। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग सिस्टम मान के देखते हैं तो तुम देखो पहले ये बुलेट रेस्ट पे थी और बाद में ये बुलेट तेज स्पीड से ट्रेवल कर रही है। यस सर। तो इस बुलेट के मोमेंटम में चेंज आया किस वजह से आया? गन के एक्सटर्नल फोर्स से। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ये पहली बात होगी। अब there is change
इन मोमेंटम ऑफ बुलेट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ऑफ गन. ठीक है, पर अगर हम यहां पे कहते हैं भैया इफ बुलेट प्लस गन इज वन सिस्टम, तो अगर ये दोनों मिला के ही एक सिस्टम है, तो अब तुम ये बताओ मुझे कि जो बुलेट के ऊपर फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? इंटरनल फोर्स होगा. अब इंटरनल होगा तो इसका मोमेंटम इनिशियली कितना है पूरे सिस्टम का? जीरो रहेगा. जीरो, तो ये बाद में भी जीरो रहेगा. बाद में भी जीरो रहेगा. अगर ये बाद में जीरो रहेगा तो बाद में जीरो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बुलेट तो आगे भाग रही होगी फायरिंग के बाद में. तो टू मेक द नेट मोमेंटम जीरो फॉर होल सिस्टम गन हैज टू रिकॉइल विद सम स्पीड विद सम वेलोसिटी, तभी तो मोमेंटम जीरो होगा. एक आगे चलेगी एक पीछे चलेगी, नेट मोमेंटम क्या होगा? जीरो हो जाएगा. यस सर. तो उस टाइम पे ये होगा कि भैया जो ये गन है तुम्हारी पता चला कि भाई ये तो पीछे की तरफ रिकॉइल कर रही है वी स्पीड से, और ये जो बुलेट है ये आगे की तरफ जा रही है स्मॉल वी स्पीड से. तो अगर तुम इस जगह मोमेंटम देखते हो जिसको हम फायरिंग के बाद का मोमेंटम फाइनल कह रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम वो पहले का देख रहे हैं जो फायरिंग नहीं है, इस मोमेंटम को क्या तुम ऐसा नहीं कहोगे कि राइट साइड के मोमेंटम पॉजिटिव और लेफ्ट साइड का मोमेंटम नेगेटिव? सर ये रिपीट कर दो. अभी तो मैंने मोमेंटम ही तो लिखा है नेट फायरिंग के बाद, मैं रिपीट करने जा रही कुछ नहीं. जब हमने गन से बुलेट फायर कर दी तो उसके बाद मोमेंटम यही तो होगा जो मैंने लिखा है. ओके सर. एक आगे जा रही है उसका मोमेंटम पॉजिटिव, एक पीछे जा रही है उसका नेगेटिव. तो अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि F एक्सटर्नल है नहीं. जब F एक्सटर्नल यहाँ नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने कि भैया जब F एक्सटर्नल नहीं होता ये रहा और सिस्टम लीनियर मोमेंटम सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट का मतलब जो फायरिंग से पहले था वही फायरिंग के बाद होगा. पहले जीरो था, बाद में MV माइनस MV, तो यहां से जो V है वो MV अपॉन M होगा. तो इतनी स्पीड से गन रिकॉइल कर रही, बोलो ये बात समझ आएगी? आगे अब तुम इसमें ये देखो जरा कि as m is very very greater than small m, like gun और bullet के mass में तो कितना फर्क होता है तुमने देखा नहीं? Yes sir. Actually में जो gun है तुम्हें उसका mass भी पता है, और bullet की जो cartridge है वो कुछ इस shape में होती है इस तरह की. Yes, sir. पर उसमें से भी जो ये इतना पीछे का पार्ट है ये तो गन के अंदर ही रह जाता है. जो बाहर जाने वाला पार्ट है बस वो ये वाला पार्ट है आगे की टिप. Yes, sir. तो
अब तुम ये देखो कि ये बुलेट का जो मास है जो बाहर निकल रहा है वो गन के कंपैरेटिवली कितना स्मॉल है। गन तो आराम से 10-15 किलो की होती, 10 किलो के करीब की होती होती। छोटा पिस्टल भी होगा वो भी कम से कम 2-2.5 किलो का होगा, समझ रहे हो? Yes. तो उसके कंपैरेटिवली बुलेट का मास होता है ग्राम। तो तुम ये बताओ मुझे कि यहाँ डिनोमिनेटर इतना बड़ा है तो वी जो होगा ये इतना ही छोटा होगा स्मॉल वी से। Yes, sir. इसलिए बुलेट के कंपैरेटिवली जो गन की रिकॉइलिंग स्पीड है वो थोड़ी कम होती है। अब ये सोचो तुम कि अगर ये दोनों सेम मास की हो जाए, नियर कंपेरेबल मास की हो जाए, अगर बुलेट और मास कंपेरेबल मास की होंगी तो जिस स्पीड से बुलेट आगे जा रही होगी उसी स्पीड से गन पीछे से। इसका मतलब ये होगा कि भैया एक आदमी वो मर जाएगा जिसके ऊपर बुलेट फायर करी है, जो फायर कर रहा है वो मर जाएगा, गन उसके पेट में घुस जाएगी। Yes, नहीं समझ आ गया सर? ये चैप्टर तुम्हें बहुत जगह हेल्प करेगा ये ध्यान रखने में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर में भी क्वेश्चन इस पर आते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। ग्रेविटेशन में दो मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे भी हेल्प करेगा, कहीं पे भी लिख सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का पार्ट है। दूसरा केस इसमें हो सकता है स्प्रिंग मास सिस्टम, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था वो ये। यहाँ पर अपने पास में ब्लॉक है, एक का मास M2 है एक का मास M1। अब तुमने क्या किया कि इसको स्ट्रेच कर दिया स्प्रिंग, जब तुमने इसको स्ट्रेच कर दिया तो तुमने इसको तो यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ तक शिफ्ट कर दिया। ये है M1, ये है तो तुम ये देखो कि जब इस पूरे सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं यहां से, मतलब ये रिलीज करने से पहले की सिचुएशन, तो ये भी रेस्ट पे है ये भी रेस्ट पे है, तो पूरे सिस्टम का कंप्लीट मोमेंटम कितना? जीरो। अब यहाँ पे फिर वही हम केस डील कर सकते हैं कि अगर हम M1 को एक सिस्टम, M2 को दूसरा सिस्टम और स्प्रिंग को तीसरा सिस्टम एज्यूम करते हैं, तो उस केसेस में ब्लॉक्स के ऊपर जो अप्लाइड फोर्सेस होंगे वो एक्सटर्नल होंगे तो उनका मोमेंटम बदल जाएगा। पर अगर M1 प्लस M2 प्लस स्प्रिंग एक ही सिस्टम काउंट होता है तो स्प्रिंग जो होगा वो उनके ऊपर एक इंटरनल फोर्स लगाएगा तब मोमेंटम रहेगा जो पहले था वही बात है। तो तुम यहाँ देखो कि जब हम इस रीजन में ट्रेवल कर रहे हैं और जब हम इस रीजन में ट्रेवल कर रहे हैं तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा है और M1 के ऊपर राइट में लगा रहा है, और ये फोर्स तब तक लगेगा जब तक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं आता। बोलो। Yes, sir, लगे। तो तब तक ये दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट होते रहेंगे, इसका मतलब तब तक M1 की स्पीड इस वाले रीजन में बढ़ती रहेगी, M2 की स्पीड इस वाले रीजन में बढ़ती रहेगी। तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यहाँ इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी V1, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम होगी मान लो V2,
इसके बाद इस स्पीड से ये वी टू जो होगा ये लेफ्ट में, और वी वन राइट में जब जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, और कंप्रेस्ड स्प्रिंग फिर इसको उल्टी डायरेक्शन में फोर्स देने लगेगा, तो ये वेलोसिटी फिर स्लो होते होते यहाँ पे आके दोनों ब्लॉक रुक जाएंगे। इस बात के ऊपर कल रात भी काफी देर डिस्कस हुआ जिसमें हमने निकाला कि व्हेन द फर्स्ट कम टू रेस्ट, तो ये यहाँ पे रेस्ट पे आ रहा है, ये यहाँ पे रेस्ट पे आ रहा है, उसमें हमने एक्स वन और एक्स टू कैलकुलेट किए। ठीक है, यस सर। यस यहाँ पे वो पूछेगा कि जब वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे, मीन पोजीशन कौन सी होती है, ये एसएचएम के चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा जानने के लिए कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा और ये यहाँ पे पहुंच रहा होगा तब इनकी स्पीड बताएंगे। तो हम कह देंगे कि जब हम इसको छोड़ रहे थे उस टाइम इसका मोमेंटम जीरो था, और इस सिचुएशन में इसका मोमेंटम है एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू, माइनस इसलिए एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है राइट की तरफ, तो राइट की तरफ को अगर पॉजिटिव ट्रीट कर रहे बीइंग वेक्टर लेफ्ट का मोमेंटम नेगेटिव होगा, ये पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम। एफ एक्सटर्नल है नहीं तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा, और यहां से हम लिखेंगे एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन फर्स्ट, यहां हम करेंगे एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू एक्स नॉट है इज जीरो। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये ब्लॉक पहले रेस्ट में थे, अब ये मोशन में, तो इनके पास मोशन में जब ये है तो तुम्हें एनर्जी दिखाई दे रही है, काइनेटिक एनर्जी है इनके पास नहीं? यस सर। तो वो कहां से आई? बोलो। स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया, स्प्रिंग में उसकी वजह से स्प्रिंग में फोर्स नहीं लगा, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो इनको मिल गई। अब स्प्रिंग में एनर्जी कहां से आई? जब तुम स्प्रिंग को ऐसे दोनों ब्लॉक्स को दूर दूर पुल कर रहे थे तो तुम लोगों को अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्सेस ऑफ स्प्रिंग वर्क करना पड़ रहा था, तो तुम्हारा वर्क स्टोर हुआ स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर जब तुमने इस सारे सिस्टम को रिलीज किया तो जो हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी थी वो उसने दोनों ब्लॉक्स को डिवाइड कर दी, दोनों ब्लॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक तरीके। बोलो, समझ नहीं आएगा? सर, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी? नहीं, देखो फोर्स एनर्जी में कैसे चेंज हो सकता है, मतलब तुम लोग इतने बड़े हो गए, तुम्हें ये नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए भैया। फोर्स की डायमेंशन अलग होती है, वर्क की डायमेंशन अलग होती है, एनर्जी की डायमेंशन जो है वो वर्क की डायमेंशन होती है, तो एनर्जी और फोर्स ही तो इक्विवेलेंट हुए, एनर्जी और वर्क ही तो इक्विवेलेंट हुए, फोर्स थोड़ा ना होगा कोई, वर्क को ही तो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फोर्स को कोई कर सकते हैं? जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड थी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जब वो एलोंगेटेड था बाय एन अमाउंट एक्स नॉट, तो वो ही तो दोनों ब्लॉक थे भाई। तुम्हारे पास मान लो, तुम्हारे पास अगर सपोज कीजिएगा कि भाई तुम्हारे पास फूड है तो तुम दूसरे को फूड ही तो दोगे, तुम्हारे पास मनी है तो तुम दूसरे को मनी दोगे। अब मान लो तुम्हारे पास है तो देने को, मान लो फूड कोई आ रहा है आगे कहने लगे भाई मुझे पैसे दो, तुम्हारे पास ही नहीं दोगे कहाँ से, मुझे ये तो कहोगे कि भाई जो मेरे पास है वही तो दूंगा। तो स्प्रिंग में एनर्जी थी कितनी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो वो उसको काइनेटिक उसकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। पहले ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, बाद में चल रहे थे, तो जब वो चल रहे थे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब रेस्ट पे थे जब नहीं थी, तो इनके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? ये दोनों ब्लॉक को जो काइनेटिक एनर्जी मिली ये स्प्रिंग में जो स्टोर्ड एनर्जी थी वहीं से तो मिली। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं V1 और V2,
और यहाँ पे अपने पास दो ही इक्वेशन है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, फर्स्ट ये वाली यहाँ। तो यहाँ से वी वन की वैल्यू उठा दे या वी टू की वैल्यू उठा दे, इस इक्वेशन में डाल दो तो वी वन सॉल्व हो जाएगा, फिर एक बार दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वी टू आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आती है? तो यहाँ से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब ये ब्लॉक्स अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होंगे तो उस टाइम पर किस स्पीड से क्रॉस कर रहे होंगे। यहाँ तक ये बता दोगे, किसी को डाउट है क्या? नो सर। तो एक क्लास शाम को कर लें? यस सर। मतलब ये चैप्टर कल तक ना खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास इसके न्यूमेरिकल बन जाएंगे करने को, तो तुम अगर उसको 4-5 दिन में भी खत्म करोगे तो अगले वीक ही फिर हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे रोटेशनल का। देखो इन तीनों चैप्टर की बहुत ज्यादा वेटेज है, रोटेशनल की, सेंटर ऑफ मास की और सिंपल हार्मोनिक की। मतलब ऐसा समझना कि जो